हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में देख रहे हैं। उससे संबंधित जो तथ्य हैं उन्हें भी देख रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने दो देखा था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, इसमें बात करते हैं फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो पहले ये एल्गोरिथम या किसी प्रोग्राम में के निर्माण में आवश्यक लॉजिक है, या किसी समस्या के समाधान के लिए सीडी का निर्माण करता है। अतः एल्गोरिथम अनुदेशों का समूह है जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का चित्तीय रूपांतरण फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के अनुदेशों के लिए अलग 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 चित्रों का प्रयोग किया जाता है तथा उसके अंदर संक्षिप्त अनुदेश देशों लिखे रहते हैं। फ्लो चार्ट एंड साइन ANC अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। टर्मिनल यह अंडाकार चिन्ह है जो प्रक्रिया के आरंभ और अंत या विराम के लिए उपयुक्त होता है। इनपुट आउटपुट यह समांतर चतुर्भुज का चिन्ह है जो इनपुट और आउटपुट फ्रंट आदि को दर्शाता है। प्रोसेसिंग आयताकार चिन्ह जिसमें प्रोसेसिंग के निर्देश या सूत्र होते हैं। डिस्कशन डिसीजन डिसीजन यह तार्किक क्रिया होती है, इसमें तर्क या प्रश्न उसके परिणाम दिखाए जाते हैं। फ्लो फ्लो लाइन तीर के चिन्ह वाली रेखा है, फ्लो चार्ट के प्रवाह की दिशा बतलाती है। कनेक्टर फ्लो चार्ट अगर फ्लो चार्ट अगर एक पृष्ठ से बड़ा हो तो उसे अगले पृष्ठ पर कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। पिछले पृष्ठ के अंत में अंदर आती रेखा जबकि अगले पृष्ठ के आरंभ में बाहर जाती रेखा दिखाई जाती है। फर्क पी सीडो स्कोर यह किसी समस्या के समाधान के लिए प्रोग्राम लिखने का एक तरीका है। इसके चिन्हों का उपयोग ना कर प्रोग्राम और उसके तर्क को साधारण और संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। इसमें समय कम लगता है तथा चिन्हों का उपयोग ना होने से पूरा ध्यान प्रोग्राम पर रहता है। स्टार्ट इनपुट ए बी कंप्यूटर ए बी एफ ए बी डेल एस प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं और इसे जिस भाषा में लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। हाई लेवल फोर्टन कोबोल बेसिक पास्कल फॉक्स प्रो सी प्लस प्लस वीजी जावा HTML ये सभी भाषाएं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह है जिस किसी खास कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। प्रोग्राम भाषा को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है, मशीन भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा यह बाइनरी जीरो या वन में लिखी जाती है जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम को के समझा और क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस भाषा में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती पर इसमें प्रोग्राम लिखना कठिन और त्रुटियां अधिक होती हैं। ठीक, फिर असेंबली लैंग्वेज इस निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। ADD जोड़ने के लिए, सब घटाने के लिए, LD डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए। फिर हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा में थर्ड जनरेशन भी कहते हैं। यह बोलचाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा के काफी करीब है। इसमें प्रोग्राम लिखना और आसान और पढ़ना आसान है। इसके प्रयोग से पहले इस भाषा को इस पे इसके प्रयोग से पहले इस भाषा को कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर शोज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा के कुछ अन्य उदाहरण कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज यह व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोग होती है। कोबोल भाषा में निर्देश कमांड और
और वाक्य की संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर अंग्रेजी भाषा की समान है। इस भाषा को पेज रैप डिवीजन या सेक्शन में बांटा जाता है। इसे आंसी कोबोल कंपाइलर के साथ किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। कोबोल का एक संस्करण विजुअल कोबोल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओपीपी भाषा है। फिर है दूसरी फोरटॉन भाषा फॉर्मूला ट्रांसलेशन फर्स्ट एचएलएल। यह फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। इसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। इसका विकास 1957 में आईबीएम के जॉन बेकस ने किया था। फिर है लोगो। अमेरिका के सीमोर पेपर्ट द्वारा विकसित इस भाषा का उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। फिर है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह एक लोकप्रिय और सरल प्रोग्राम भाषा है जिसका विकास 1964 में प्रोफेसर जॉन केमिनी और थॉमस कोर्ट ने किया। यह पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। इसका उपयोग गणितीय और व्यवसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी सरलता के कारण इसका उपयोग शिक्षुओं को भाषा कर अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। फिर है पास्कल। इस भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस विर्थ द्वारा किया गया। इसका नामकरण कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले विलेज पास्कल के नाम पर रखा गया। इस भाषा का उपयोग शिक्षुओं को में प्रोग्रामिंग की अवधारणा स्पष्ट करने में किया जाता है। इसे शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं। फिर है सी और सी प्लस प्लस। इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंगम द्वारा किया गया। इसका विकास एचएलएल हाई लेवल लैंग्वेज में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य किया गया। यह सामान्य कार्य के लिए उपयुक्त भाषा है। इसमें सोर्स प्रोग्राम छोटा और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसका कंपाउलर सभी प्रकार के कंप्यूटर में कार्य करता है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्राम भाषा है। यह बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के करीब है। फिर है जावा। इसे हाई लेवल लैंग्वेज का विकास सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया। यह सी प्लस प्लस की तरह ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा है पर उसकी अपेक्षा छोटी और सरल है। इसके विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पाद जैसे टीवी टेलीफोन आदि में किया जाता है। एनिमेशन पर आधारित वेब पेज शैक्षिक कार्यक्रम तथा खेल आदि के विकास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इस हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग बीज गणती है गणना में किया जाता है। याद रखिए कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज मध्य स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त होता है। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका विकास 1973 में फ्रांस में किया गया। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की विधानता की जाती है। इसे कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग के लिए किया जाता है। फिर सी शार्प। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया। फिर आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन। यह सामान्य व्यवसायिक कार्यों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई भाषा है। यह एक सरल भाषा है जिसका उपयोग छोटे व्यवसाय कंप्यूटर पर किया जाता है। फिर LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका विकास 1959 में
जॉन मैकार्थी मैकार्थी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के उपयोग में किया जाता है। फिर एच टी एम एल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस भाषा का उपयोग वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। नोट, सभी उच्च स्तरीय भाषाएं HLL में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तथा इंडो अरबिक अंकों 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी सभी कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मेमोरी के बारे में आगे। ठीक है।